जय श्री राधे, वेलकम टू रेंगेस्ट्रो। शुरुआत करेंगे आप लेफ्ट पाम से, इससे चलेंगे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, फिर चलेंगे राइट हैंड में एंड वहाँ से चलेंगे करेंट सिचुएशन को। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ती हुई शुक्र से निकली हुई मणिबंध की जो एक सहायक रेखा है उसके साथ यहाँ पर मिलन कर रही है, जो रेखा केतु के ऊपरी क्षेत्र में जाके दो भागों में विभक्त हो गई है। जब भी दो तरफ से इस प्रकार से निकल के रेखाएं आपस में मिलके एक पूर्ण रेखा के रूप में यहाँ पर उभरे तो ऐसी स्थिति में जीवन बदलता है। और खासकर जब लड़कियों की देखते हो तो चंद्र के नीचे से निकले और बाद में शुक्र का क्षेत्र उसके ऊपर प्रभावित हो जाए तो समझ जाओ कि कार्य क्षेत्र में जाते के लिए विकास के और भविष्य में उनके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और जीवन में वो जितना ज्यादा धर्मनिष्ठा के साथ, जितना ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा जीवन में सफलता को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। पुरुषों के द्वारा सामान्य तौर पर माने जाने वाले कर्म को भी बेहतरीन तरीके से कर पाने की क्षमता रखते हैं और अपना लोहा मनवा पाने में सफल होते हैं। जीवन शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ इनकी बहुत ही बेहतरीन होती है। इंटरनली ये काफी स्ट्रांग होते हैं जिस कारण जीवन में आने वाली चुनौतियों को बेहतरीन तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। यहाँ की जो स्थिति है बताती है कि आपस में समन्वय की एक स्थिति जातक हमेशा बना के रखता है, चाहे वो पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, परिवार के साथ हो, जहाँ भी जाएगा, जो भी उसके सामने लोग रहेंगे या चीज़ें रहेंगी उसके साथ जातक बेहतरीन तरीके से तालमेल बिठा के आगे की तरफ बढ़ता है। मन मस्तिष्क के बीच, बुद्धि विवेक के बीच, इन सब के बीच तालमेल की एक स्थिति बनी रहती है और समझदारी साथ में चल रही होती है। एक काफी सुनहरी और सुंदर स्थिति है। द्वितीय और तृतीय रेखा यहाँ पर धूमिल स्थिति में आपको स्पष्ट तौर पे दिख रही होगी। इसका धूमिल यहाँ पर इस हथेली के अकॉर्डिंग होना काफी सुंदर है। अगर आपकी हथेली में भी इस प्रकार से है तो समझ लो ये सुंदर ही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको उसकी परवाह नहीं करनी पड़ती सुख और धन की। तीसरे अगर हम बात करें यश की तो यश की स्थिति काफी अच्छी है। जातक को जब भी आपकी चतुर्थ रेखा होती है तो आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करें और आप उसमें सफल होते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर गुरु के इस प्रवचन की, यहाँ की कैसी स्थिति है। गुरु का यह प्रवचन काफी समृद्ध स्थिति में है, काफी बेहतरीन है और यहाँ पर स्पष्ट तौर पे जातक के सुनहरे भविष्य को दिखाने का काम कर रहा है। जैसा गुरु सुनहरा होता है वैसे ही यहाँ पर जातक की जिंदगी और भविष्य भी काफी सुनहरा है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण तौर पर सफलता को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है और देश विदेश में बाहर के क्षेत्रों तक अपने नाम को रोशन करने की स्थिति में है, जिससे उसके परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए गर्व की स्थिति स्पष्ट तौर पर यहाँ पे बनती है और जातक को सफलता की प्राप्ति होती है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो छोटी लकीरों की स्थिति सामान्य तौर पे बनी हुई है, लेकिन ये क्षेत्र कुछ अलग है क्योंकि निचला क्षेत्र बिल्कुल ढलवा हो गया है यहाँ पर और बाहरी क्षेत्र में काफी उभार है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी देखो वैवाहिक जीवन में थोड़े विलंब के योग बनेंगे, लेकिन जो होगा ना वो बहुत सुंदर होगा, वो बड़ा ठोस होगा, आपस में बड़ी बनेगी और इनफैक्ट के सबके साथ जो भी होंगे साथ में लॉज हो वगैरह सबके साथ यहाँ पर काफ़ी बेहतर तालमेल के साथ आप आगे बढ़ रहे होते हैं और सब काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड और एक तरीके से कह सकते हैं कि सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए और सब अपने टैलेंट की कद्र करते हुए, उनकी परवाह करते हुए, उन्हें सही मौका देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका फायदा आपको भी अपने जीवन में मिलता है, आपको भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का और उसे साबित करने का मौका आपको मिलता है। तो एक बेहतरीन तालमेल के साथ आप सबों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं और गुरु का सहयोग है तो वैवाहिक जीवन बहुत यहाँ पर बेहतरीन जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में उसी प्रकार की सफलता, खासकर मैथमेटिक्स से संबंधित और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी सेक्टर है उनसे संबंधित कार्य है जैसा कि हथेली भी बता रही है उसमें आपके पूर्ण सफलता की योग्य 100% करने का यहाँ पर काम करता है। तो ऐसी स्थिति जातक के लिए काफी अच्छा है, जातक की आंतरिक शक्ति को भी बढ़ा के रखने का यहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम शनि के क्षेत्र की, यहाँ की स्थिति कैसी है। बहुत सुंदर, आर्थिक तौर पे बेहतरीन, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी विकारों से दूर रखने वाला, कुछ छोटी मोटी समस्या हो जाए तो उसे इग्नोर करने की आवश्यकता है और एक बेहतरीन जीवन आयुष्य प्रदान कर रहा है यानी कि अच्छा खासा उम्र प्रदान कर रहा है और साथ ही शक्ति भी प्रदान करने का काम कर रहा है।
शनि की तरफ से यहाँ पर जातक को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, खासकर त्रिशूल के जैसी जो एक अर्ध आकृति का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ये भी जातक के इस शनि के पर्वत क्षेत्र को बल प्रदान करने का काम करेगा और शत्रुओं का विनाश करेगा, मुश्किलों का विनाश करेगा। सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन होता है? हमारे मन में छिपा हुआ हमारा डर, उससे आपको दूर करने का काम करेगा और आपको निश्चिंत करेगा। एक काफी अच्छी स्थिति है। अगर हम बात करें सूर्य की, तो निश्चित तौर पर सूर्य का यह क्षेत्र यहाँ पर कुछ संदेह के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये आत्मबल को थोड़ा सा कम कर रहा है। इससे क्या होगा कि अपनी चीजों पर पूर्ण भरोसे की स्थिति नहीं बन पाती और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए। आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा क्योंकि आपका खुद पर भरोसा ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और इस समय आपको बस मैं यही कह सकता हूं कि आप किसी भी कार्य में कभी असफल नहीं होंगी। आप अगर असफल होती भी हैं तो खुद के डर के कारण, उस डर से निकल जाए। जिंदगी हमेशा आपको सिर्फ सफलता ही दे रही है, बस यही समझ लें। वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर पति, बहुत ही सुंदर घर, बहुत ही सुंदर बच्चे, इस तरीके की स्थिति है। और निश्चित तौर पर आप हमेशा शुक्रगुजार होंगे कि भगवान ने इतना बेहतर, पंचभूत ने इतना बेहतर आपके लिए रिश्तों को चुनाव करके रखा है। ये काफी सुंदर है, काफी सुंदर। अब हम चलेंगे निचले क्षेत्रों में और वहां से जानेंगे बाकी जो पर्वत क्षेत्र है उनकी कंडीशन। उसमें आएंगे सबसे पहले मंगल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, एकदम शांत चित्त निर्मल गगन समीर इस तरीके की स्थिति है। कलकल बहती नदी की तरह, जहाँ कोई लोभ नहीं, मोह नहीं, क्षोभ नहीं, द्वेष नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, सर्विकार मुक्त बिल्कुल निर्विकार स्थिति, एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। इसमें क्या होगा, जातक के लिए पुरुषों से सहयोग, खासकर पैतृक, जब कुमारावस्था की बात करें युवावस्था तक, उसमें पैतृक सहयोग की कमी आती है, लेकिन इसके अलावा जो है जीवन बड़ा शांतचित होता है और बड़ा क्रियाशील होता है। ऐसे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुंदर है। हालांकि स्वास्थ्य का जो मैंने बताया था शनि के माउंट पे आपको कि कुछ मामलों में स्वास्थ्य पर बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अदरवाइज कभी कभी चीजें आपके लिए थोड़ी सी रक्त संबंधी विकार को यहाँ पर बढ़ाने का और मानसिक कलेश को कभी कभी छोटे से समय के लिए, छोटे पीरियड के लिए बढ़ाने का काम करेगी। उस पर उसे हवा में उड़ाना, बस हल्के में लेना तो अच्छा रहेगा। दूसरे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। देखो, पैसों का संचय और पैसों का मैनेजमेंट करना बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए, ठीक है। माना कि हमारे लिए पैसे ज्यादा महत्व नहीं रखते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संचय कर लोगे ना, बिकॉज इस दुनिया में हो तो यहाँ पर उसकी जरूरत है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बात करें शुक्र के क्षेत्र के, शुक्र के क्षेत्र की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है और ये आपके अंदर जो स्त्रीत्व का भाव है उसे बढ़ाने का काम करता है, आपकी कार्य दक्षता को बनाने का काम करता है और आपको गंभीरता प्रदान करता है और आपके लिए परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाने का काम करता है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख सके, अपनी मौजूदगी बनाए रख सके। ये काफी अच्छी स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चंद्र के क्षेत्र की, तो चंद्र का यह क्षेत्र भी आपके लिए यहाँ पर उसी प्रकार से काम कर रहा है और एक सुंदर स्थिति का निर्माण कर रहा है, जिसमें शांत चित्त होना और बेहतरीन तरीके से अगर साधना की तरफ आप बढ़ती है तो आपके जीवन को और भी बेहतर आयाम देने का काम करेगा और आपके लिए परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाने में आपकी मदद करेगा। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर होती चली जा रही है, ये अच्छा नहीं है। इससे होने से क्या होगा कि कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन में बढ़ेगी और अगर आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो लगातार आपके साथ हेल्थ रिलेटेड लगी ही रहेगी। मस्तिष्क रेखा अलग है, बिल्कुल क्लियरली सोचती है, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा ट्रेडिशनल सोचना शुरू कर देते हो और स्थिति अच्छी नहीं है। खासकर मन के इस क्षेत्र में अगर इस प्रकार के यव रेखा की स्थिति बन जाए तो ये अच्छा नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक अपने फैसलों पर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा व्यक्ति के लगा होता है और हमेशा उसे लगता है कि पता नहीं मेरे फैसले सही होंगे या नहीं होंगे, इस पर मुझे फिर से विचार करना चाहिए, फिर से काम करना चाहिए, ऐसी स्थिति। और आपको हमेशा दूसरों के सहयोग की जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो इस पर काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर बारिश क्षेत्र में देखें तो मध्य में कई सारी रेखाओं की स्थिति ऐसी बन पड़ी है जो कि आपके लिए छोटी छोटी अड़चनों को दिखाने का काम कर रही है, लेकिन जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, आपके सामने जो भी अड़चन है, जो भी मुश्किल है, वो सिर्फ आप ने अपने एक छत आवरण की तरह है, आपने जो अपने आसपास एक बना रखे आने डर का माहौल उसके कारण है। अदरवाइज रेखाएं तो ऐसी है ना, जिसमें मैं चाह के भी
दो छोटी तीन छोटी मुश्किलें हैं, उसके अलावा कोई बड़ी मुश्किल यहाँ पर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। बिकॉज मेरी हमेशा आदत है कि जो भी चीज़ें वो क्लियर निकल के आए, छोटी छोटी परेशानी भी, ताकि ऊपरी क्वेश्चन लेके चीज़ों को आप ठीक कर सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन है ना कि मैं क्या बताऊँ। सिर्फ निकल के क्या आया है, सबसे बड़ा दोस्त तो है डर। ये आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको पीछे की तरफ, बैकफुट पे आपको लेके जाता है, आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाने का काम करता है। उसमें कभी न रहे, खुद पर कभी सवाल न उठाएं, अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया है तो। हर पहलू देख लें, जब आप खुद से ईमानदार अगर हो तो आप सही ही करेंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़े, आपके लिए अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ख्याल करें। इसके अलावा बात करेंगे आपके दयनीय हथेली की। अगर यहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि गुरु की स्थिति यहाँ पर भी पूर्ण ऊर्जा के साथ बढ़ रही है, लेकिन गुरु पर क्या है, यहाँ हृदय रेखा से निकली रेखाओं का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। आपके विचारों को, आप जो चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप जो बोलना चाहते हो, उन चीज़ों पर अगर कोई दबाव डालता है और जानबूझकर आपको सहने की, बर्दाश्त करने को कहता है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप खुल के जियो, खुल के बोलो। बर्दाश्त आप जितना करोगे वो आपको अंदर ही अंदर मारेगा। बिकॉज आप बिल्कुल साफ शफाफ हो, कहीं कोई दोष ही नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं। और आपकी स्थिति यहाँ पर वही बता रही है। तो आप खुले दिल से जियो, थोड़ा भी हिचक मत करो, ये मत सोचो कि सामने उसका प्रभाव क्या आएगा। नहीं, अपनी चीजों को आप बोलो, अपनी चीजों को करो, खुद के लिए उसे अपनी मजबूती के रूप में आप उभार के लाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जो गुरु है ना, पूछो मत, आज मॉर्निंग से दूसरी है जिसमें देख रहा हूं कि इस प्रकार की समृद्ध स्थिति, बहुत ही सुंदर स्थिति है। ये आपके जीवन को रोज नए आयाम प्रदान करने का काम कर रहा है, रोज नई ऊर्जा देने का काम कर रहा है। ये कभी बूढ़ा नहीं होगा। इनफैक्ट कि अगर सीधे सीधे बता दूं तो अगले 3 जिंदगी अगर ये जीव प्राप्त करेगा, उसमें भी उसका गुरु ऊंचा ही रहेगा और उसमें भी मानव शरीर ही प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति को दिखाने का ये काम करता है। अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न के माउंट, क्या है कंडीशन, क्या है यहाँ की कंडीशन। भी फिलहाल भी बहुत अच्छी, यहाँ पर भी त्रिशूल का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, जो कि जातक के हक में है, जातक के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन थोड़े से मुश्किलों को बढ़ा रहा है। और ये मुश्किल निश्चित तौर पर सोचने की स्तर पर आ सकता है थोड़े से समय के लिए, जब आप कुछ गलत फैसले लेंगे और उस पर चलेंगे भी। ये समय कब का होगा, 25 से 26 के मध्य का। उस समय जो भी आप कर रहे हैं उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से सोच विचार के आगे बढ़ने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो आप कभी नहीं होते, लेकिन उस समय आप हो सकते हैं। तो देखो, समय का चक्र जब घूमता है ना, तो चीजें कैसे घूमती है आपको पता भी नहीं चलेगा। हम जिसके विरोधी हम उसके पक्ष में आ जाते हैं। कई दफे आप देखोगे जो गलत है आप उसे सही ठहराना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में जब समय फिर से वापस आएगा तो आपको पछतावा होगा। तो कैसे भी सिचुएशन आ जाए, अच्छे से विचार करके बाद ही आप विचार करने के बाद ही आप आगे की तरफ बढ़े तो आपके लिए सुंदर रहेगा। अगर सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में सूर्य का क्षेत्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूर्य से संबंधित उपाय आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आत्मबल को काफी कमजोर कर रहा है और आपकी सफलता के प्रतिशत को भी नीचे की तरफ लेते हुए चला जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। और डर आपके ऊपर जबरदस्त हावी है, आपको इससे निकलना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जो आपका ज्ञान है वो हालांकि तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो प्रयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है। मस्तिष्क रेखा तो वैसे ही बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी बेहतर है, इसमें कहीं से कोई दोष की स्थिति नहीं है। जीवन रेखा की स्थिति थोड़ी मुश्किल में है, आपको थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। विदेश जाने की जहाँ तक बात करें थोड़ा सा भी समय है, लेकिन जाके वहाँ पढ़ाई करने के लिए आपके पास स्पष्ट योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और लंबे समय तक टिकेंगे भी आप वहाँ पर, इनफैक्ट की जॉब के भी योग वहाँ पर हैं। सब ठीक रहा तो 2 संतान भी विदेश सेटलमेंट के दौरान ही होने के योग इस हथेली में स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। मध्य के क्षेत्र में थोड़ी अड़चने आ रही हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्याओं को अगर हम ठिठक के देखना शुरू करते हैं तो हमारे करीब आएंगे। आपको अपनी चीज़ों को देखो, कोरोना को हराना है तो क्या करना है, इम्यून बूस्ट करना है। अगर हम अंदर से स्ट्रांग हैं तो बाहरी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकती, और हम जैसे तैसे हालत में खड़े हो गए बंदूक लेके मोर्चे पर कि नहीं तुम आओगे तो हम तो उड़ा ही देंगे, और पता चले कि नाल फटे खुद ही शहीद हो गए, तो ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले अपनी मजबूती पर ध्यान दो। तुम अंदर से स्ट्रांग रहोगे तो वो जो है ना एशियन पेंट लगा डाला तो फिर
मतलब असर ही नहीं आना है ना अंदर, तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मध्य में कई सारे ऐसे त्रिभुज की स्थिति है, और खासकर हथेली के किनारे कॉर्नर के क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर कई सारे आपके लिए राजयोग विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, जो कि आपके लिए काफी सुंदर है और आपके जीवन को समृद्ध करने का स्पष्ट तौर पर काम कर रही है। बस एक ही बात बता दो, जीवन में कभी भी आपको बजट सोच के कुछ नहीं करना पड़ेगा। फलानी चीज लेनी है, बजट कितना है, इस झंझट में नहीं पड़ोगे, बस यही समझ लो। तो ऐसी ही स्थिति आपके लिए बन पड़ी है। बाकी अगर यहाँ पर देखिए, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, चंद्र की स्थिति यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, यहाँ पर अपनों का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। मनमंद की रेखाओं की बात करें, बहुत ही सुंदर स्थिति में यहाँ पर आपकी मनमंद की रेखा उपस्थित है, और जो आपको बहुत ही सुंदर भविष्य प्रदान करने का यहाँ पर काम कर रही है। बस यही कहो कि ऐसा भविष्य सबका हो, सबका ऐसा उत्तम भविष्य है, ऐसी सोच के साथ आप सकारात्मक रूप से अपने जीवन में आगे बढ़े। जिंदगी आपको बहुत कुछ यहाँ पर देने को तैयार बैठी है, अथाह धन और सफलता, गुरूर, सब कुछ। बस स्वास्थ्य पर ध्यान देना, मंगल थोड़ी ट्रबल में है फिलहाल। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रंग एस्ट्रो, रियल एस्ट्रो मीन्स रंग एस्ट्रो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, कहीं नहीं, कोई नहीं।